जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद पुलिस ऑफिसर कॉलोनी में। मेरे पीछे बैग पे जो आप घर देख रहे हैं, जो सर्जन डॉक्टर हैं, डॉक्टर सजाद, उनका घर है। रात को गुज़श्ता जो रात गुजरी है, इसको यहाँ पे डकैती की बहुत बड़ी वारदात हुई है। आपको बताता चलूँ कि ये जो जिस घर पर मैं खड़ा हूँ, साथ वाले घर में ये खाली प्लाट है। यहाँ से जो चार डाकू थे, मुसल्ला शख्स थे, वो इस रस्ते से दाखिल हुए हैं और घर की जो बाहर वाली खिड़की थी वो काट के अंदर दाखिल हुए हैं। और गन पॉइंट पर घर के सारे अफराद को जो है बांध के गन पॉइंट पर जो घर का सामान था, नकदी जेवरात वगैरह लूट के ले गए हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि सब मशकूक बात यह है कि जो जिस खिड़की से वो डाकू अंदर दाखिल हुए हैं, वो खिड़की अंदर से बंद थी। जो चार मुसल्ला शख्स थे, वो जहाँ पर जब घर में दाखिल हुए, उससे पहले जहाँ पे घर में चार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने सारे कैमरों को किसी चीज़ के दूसरी तरफ मोड़ा या ऑफ किया, उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं। यहाँ पे जो एबटाबाद के एसपी इन्वेस्टिगेशन है, उसके अलावा डीएसपी मीरपुर हैं, वो भी यहाँ पे मौके पर पहुँच चुके हैं। जब मीडिया की तरफ से उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका यही कहना था कि दो मशकूक शख्स जो है वो उन्होंने अपनी हिरासत में लिए हैं और मजीद उन्होंने किसी किस्म की कोई बात करने से मीडिया से भी गुरेज किया। ईद से कुछ दिन पहले यहाँ से मुकामी अफराद का ये कहना है कि चार मुसल्ला शख्स इन्होंने पकड़े थे और मीरपुर पुलिस के हवाले किए थे, लेकिन आज तक उन अफराद के कुछ पता नहीं है वो कहाँ हैं। क्या ये उसी का शख्स आना लगता है उसी वारदात का, या इसके अलावा कुछ और है, मज़ीद देखते हैं आइए इस वीडियो में। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ? ये रात को मैं अस्पताल पर था और बच्चे का फ़ोन आया रात को 1:30 बजे कि पापा घर पर चोर आए हुए और हमें बांधा हुआ है, डॉक्टर साहिबा को भी और हमें भी। एक बच्चे की उम्र 14 साल है, एक 15 साल है। तो मैं शिनकारी में था हॉस्पिटल में, तो उधर से मैं निकल आया। मैंने मीरपुर थाना फ़ोन किया कि आप जल्दी से जाए, घर में कोई चोर आए हुए। तो फिर जब मैं आया तो वो लोग चले गए थे और ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये काट के और अंदर आके तो घर से जो बच्चों को बांध के उनके सर पर पिस्तौलें रख के और उनसे जो 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 चीज़ें थी घर में, जो नकदी थे, जो जेवरात थे, वो सब कुछ उन्होंने समेट लिया और चले गए। कितने आदमी थे? चार आदमी थे। ज़ुबान ये बच्चे कह रहे हैं कि हमसे पश्तो में बात करते थे और फिर आपस में उर्दू में, यानी हिंदू में बात करते थे आपस में, और हमसे पूछते थे कि कहाँ पर चीज़ पड़ी हुई है। छोटे बच्चे को जब मारा है तो उसने बताया कि इस रूम, इस लॉकर्स में सब कुछ पड़ा हुआ है। आपके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है? यदि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जब ये आ रहे थे तो इन्होंने पहले से टीवी कैमरों में जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले पहले कैमरे को इन्होंने ऑफ किए, फिर आके उसमें नज़र आ रहे दूसरे कैमरे को ऑफ कर दिए और उसके बाद ये घर पर दाखिल हुए। अच्छा, क्या लेके गए जी? नकद जो पैसे थे हमारे पास सेफ में पड़े हुए थे, वो सेफ इन्होंने बच्चे से फिर चाबी लेके उसको खोल दिया, उसमें 8 लाख रुपये थे, नगद रुपए थे, और उसके साथ 1000 पाउंड था, 1000 पाउंड और 1000 रियाल थे। और रशियन मैडम जो डॉक्टर साहिबा है वो रशिया की है, तो उसके अपने रशिया के तकरीबन पाकिस्तानी 30-35 हज़ार रुपये वो थे और 10 तोले सोना लेके गए। अच्छा, उनके पास कोई वेपन्स भी थे? चार पिस्तौल थी, बच्चे कह रहे हैं कि चारों पिस्तौल थे सबके पास। जब हमें बांध रहे थे तो हर एक की कलपट्टी पे पिस्तौल रख के और उसको बांध देते थे। अच्छा, उन्होंने मुंह वगैरह अपने बंद की हुई थी या खुले थे? मुंह बंद थे उसके, मुंह बंद थे, मुंह पे ऊपर एक जो कैमरों में भी हमने देखा है, बहुत कोशिश की है मगर चेहरे उनके डांपे हुए। आप क्या समझ गए आपके घर में किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की है या वैसे ही आ गए हैं? तीन चार साल हमारे हो गए और मैं रोज़ाना इधर से जाता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन उसको, क्योंकि मैं कल ही गया हूँ, 3 दिनों के बाद मैं कल गया हूँ, 3 दिन मैं घर पे था, तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी मेरे साथ होते हैं, तो इनको ये भी पता था कि डॉक्टर साहब चले गए, इनको ये भी पता था कि सिक्योरिटी गार्ड इनके पास है और ये घर भी 3 मंजिला है, और इनको ये पता भी था कि इसी फ्लोर पर डॉक्टर साहब के फैमिली इसी फ्लोर पर है और बच्चों का कमरा भी यही है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी उनको। अच्छा, ये गाड़ी वगैरह पे आए हैं या वैसे पैदल आए? अब ये जो कैमरे में हमें देख रहे हैं तो ये पैदल सामने के जो नया घर बन रहा है इससे ये आ रहे हैं पैदल। मैं कोई शक मेरा नहीं है, पुलिस को कहता हूँ कि साफ इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि अगर ये बच्चे थोड़ा सा मुजाहमत करते, क्योंकि एक बच्चा जो है उसने तो चुरी उठाई हुई थी, तो अगर ये छुरी पे वो कुछ कर देता तो ये उनको गोली मार देते। तो ये है कि सानिहे से अल्लाह ने बचा दिया है और ये एक स्ट्रीट क्राइम जो है अभी मुझे अभी पता चल रहा है
कि इधर जो लोग आए हुए हैं साथ में से महल्ले से, ये कहते हैं कि इससे पहले भी हमने चार बंदे पकड़े हुए थे और मीरपुर थाना के हवाले किए थे, वो भी मसल्ले थे और डकैती के दरमियान हमने पकड़े हुए थे, ये भी चार लोग थे। तो वो जो पकड़े हुए थे वो किधर गए, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। मैं तो इनसे भी पूछता हूँ कि वो चार लोग किधर गए थे जो आपको एक दो हफ्ते पहले पकड़ के हवाले किए थे। तो ये उसी का मेरे ख्याल में तसलसल है। तो ये आपको घर बिल्कुल एंड में है ना, ऑफिसर के रूम में, तो यहाँ पे हमने देखा है घरों में काम भी लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि गिर का बंदा हो। मैंने तो पुलिस को बाकायदा कहा है कि ये सामने जो घर बन रहा है इसमें लोग लगे हुए हैं, पश्तो स्पीकर है, उसको भी आप इन्वेस्टिगेट करें, मेरे जो जितने भी मुलाजिम हैं सबको इन्वेस्टिगेट करें, जहाँ से आपको मालूम मिले इन्वेस्टिगेट करके दिखा दें मुझे, जो भी मेरा अपना हो या पराया हो। मैं तो देखे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे ये है भी फॉरनर्स, पाकिस्तानी नहीं है, फॉरनर्स, फॉरनर नेशनलिटी होल्डर्स है। और डॉक्टर साहब तो अभी उसी वक्त से अपने कमरे में बंद है, तो वो कह रही है ये कैसे मुल्क में मैं रह रही हूँ, तो आगे मुश्किल हो जाएगा इधर, या तो हम चले जाएंगे इधर से, और या तो मेरे ख्याल में बच्चे बहुत डरे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने किसी को मारा तो नहीं है? बच्चे को मारा है। क्या मारा है? बच्चे को से और लातों से और उससे मारा है कि ये सेफ की चाबी किधर है, सेफ की चाबी मुझे दो। तो उसने फिर बता दिया कि सेफ की चाबी ये है, ले रहे। क्योंकि जब मुझसे बड़े बच्चे ने बात की तो उसने ये बताया कि पापा चोर आए हुए और हमें बांधा हुआ है, और हम उसको, मैंने कहा बच्चे आपने कुछ नहीं करना है, आप छोड़ दें उनको, जो कुछ लेना है लेने, आप लोगों ने मुजाहमत नहीं करनी है। तो फिर उन्होंने सेफ भी खोले हैं, सारे लॉकर्स भी खोले हैं, आपने देखे होंगे उधर सब कुछ ज़मीन पे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, और जो जो चीज़ें उनको मिली है वो लेके गए। घर में आपका कोई मुलाजिम नहीं था? मुलाजिम थे, मुलाजिम थे, मुलाजिम ग्राउंड फ्लोर, नीचे ग्राउंड फ्लोर जो है, मतलब बेसमेंट जो है, बेसमेंट पे थे। तो मुलाजिम कहते हमें कोई पता नहीं चला, तीन बंदे थे। किस टाइम के दरमियान हुए जी ये बात? किया रात किस टाइम? रात को 1:11 पर ये सीसीटीवी जो कैमरे में हमें मिले, मुझे फ़ोन आया है 1:30 बजे, 2:30 पे। तो 1:11 से लेकर 2:30 पे ये घर पे ही थे।